देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में ही बताया था आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं या सी प्लस प्लस कराऊंगा या जावा कराऊंगा, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे किसी बैच में सी प्लस प्लस करा देता हूँ, किसी में जावा करा देता हूँ। जैसे आपसे पहले वाला बैच चल रहा है वाला, उसका सी प्लस प्लस चल रहा है, बट आपके में मैं जावा लैंग्वेज करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट लैंग्वेज है, हर जगह पर यूज होता है इसका। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा लिटिल बिट आपके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, थोड़ा सा ज्यादा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, नॉर्मली एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन जितनी भी प्रोग्रामिंग आपका सॉफ्टवेयर चल रहे थे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, रेडीमेड सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये सब ना। तो इनमें क्या था कि कुछ नहीं है, उनमें तो आप टूल्स समझ गए, उनको यूटिलाइज कर लिया, फॉर्मेट बना लिए, ये सब कर लिया। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहले तो समझिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्पस क्या है। किसको पता है पर्पस क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द नीड ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सी प्लस प्लस, जावा है, विजुअल बेसिक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। किसी को मालूम है पर्पस क्या होता है? एनी आइडिया? नो आइडिया, गेट आइडिया। तो मींस कहने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब भी हम जितने भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम में काम करते हो ना, या चलो ऐसे बात करते हैं जैसे मोबाइल है, मोबाइल में आप क्या करते हो, एप्स वगैरह यूज करते हो, डाउनलोड कर लेते हो, तो वो एप्स कैसे बनते हैं? तो वो जो एप्स वगैरह बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, एप्लीकेशंस बनती हैं, वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनती है। जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखते हो ना, चाहे वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर हो या किसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो बना हुआ, यानी कि टेलर मेड हो, रेडीमेड हो, या ऑलरेडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर देखा होगा, कंपनी वगैरह में लगे होते हैं, बैंक वगैरह में देखते हो कि सॉफ्टवेयर में काम करते हैं लोग, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, शॉप्स में, मॉल में, आप भी यूज करते हो एप्स वगैरह। तो सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनते हैं। तो दैट मीन्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प टू डेवलप अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर और एप्स, जिसको एप्स बोलते हैं। मोबाइल कॉम्पैक्ट है, जो एप होते हैं वो एप्लीकेशन ही होते हैं, एप्स का मतलब एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स की हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर बिल्डअप करने के लिए, अब जैसे कोई पूरी बिल्डिंग बनानी हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम छोटी छोटी छोटे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उसका छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे। ऐसे यहां पर भी हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, पहले प्रोग्राम समझेंगे कि प्रोग्राम होते कैसे बनते हैं। ठीक है, कमांड्स के बिहाव पर बनेंगे, सिंटैक्स के बिहाव पर बनेंगे, कुछ फंडामेंटल्स हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उनको हमें सीखना होता है, और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हम प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट और बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैसे बना। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्टार्ट करेंगे आज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जावा होती क्या है। अगर जावा की बात करें तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मैंने बताया अभी, जिसको हम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी सपोज करके एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसी जब कंप्यूटर में आप काम करते हैं, किसी भी सिस्टम में काम करते हैं, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स की हमारे जो जावा होता है, इट वॉज फर्स्ट रिलीज बाय सन माइक्रोसिस्टम ने 1955 ये एक्चुअली रिलीज किया था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की डेट में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जितना भी इंटरनेट चलता है ना, इंटरनेट में वर्किंग चलती है, वो सब जावा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्क्रिप्ट्स के थ्रू चलती है। अगर जावा प्रोग्रामिंग नहीं होती तो शायद इंटरनेट भी नहीं होता, क्योंकि जावा ही एक ऐसी प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग
कर सकते हैं इसके थ्रू, या कह सकते हैं कि 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है जावा, ठीक है। तो उसके बाद क्या या लेटर एक्वायर्ड बाय ओरेकल, फिर बाद में इसको ओवरटेक कर लिया था, ओरेकल कंपनी है और उस ओरेकल कंपनी के बहुत सारे अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने ओरेकल ने इसको ओवरटेक कर लिया था, ठीक है। इट इज ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल और मोस्ट यूज की जाने वाली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, ठीक है। जैसे बात कर रहे हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प टू डेवलप एंड रन प्रोग्राम्स रिटन इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, रन प्रोग्राम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें राइट कर सकते हैं, डेवलप करने के लिए यूज किया जाते हैं प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को और एप्स को, जैसे मैंने बोला। तो जावा प्लेटफॉर्म इंक्लूड एन एग्जीक्यूशन इंजन, अ कंपाइलर एंड अ सेट ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि कह सकते हैं कि अगर जावा की अगर बात करें, नॉर्मल अगर समझिए आप बात को, कि जावा के अंदर जो कह सकते हैं कि चेक करने वाला होता है वो दो तरह की चीजें होती है, कंपाइलर और इंटरफेस, ठीक है। तो दो चीजें काम करती हैं इसके अंदर जनरली, हमारे जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे जो ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को हाई लैंग्वेज से लो लेवल, लो से हाई, तब जाके हमारा जो है बाइट कोड में कन्वर्ट होता है डेटा, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है जावा। अभी आपको थोड़ा थोड़ी बात समझिए आप अभी, है ना, तो पूरी बात अभी आपको समझ में भी नहीं आएगी, आप पता ही है पीसी क्या काम करता है, कंप्यूटर के बारे में पहले बेसिक फंडामेंटल में बताया हुआ आपको, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोसेस पता होगी आपको तभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंसेप्ट समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो बिगनिंग में जैसे यहां पर देख पा रहे हो आप, बिगनिंग में स्टार्टिंग में जो है आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज आप जानते हो क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज होती है, जीरो और वन जिसके दो स्टेट्स होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के मैंने आपको बताया था शायद फंडामेंटल के अंदर कि जीरो एंड वन यानी कि ऑफ एंड ऑन स्टेट, इसको डिनोट करते हैं जीरो और वन से, ठीक है। दैट इज अ बाइनरी नंबर एंड बाइनरी नंबर इज अ मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, दैट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। अब बात करते हैं फिर उसके बाद जब लो लेवल लैंग्वेज टिपिकल लैंग्वेज, तो इट्स टिपिकल टू अंडरस्टैंड क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, बाइनरी नंबर को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मशीन समझ सकती है, ह्यूमन बीइंग नहीं समझ सकता, क्योंकि हम जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, ठीक। तो जब बाइनरी, जब मशीन लैंग्वेज को नहीं थोड़ा टिपिकल हुआ तो उसको असेंबली लैंग्वेज बनाया गया। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज जो है कोड जनरेटिंग लैंग्वेज थी, जिसमें बहुत सारे कोड्स होते थे, कोड्स के व्यापार जैसे MS-DOS आपने किया, करेक्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे इसको, तो उसमें देखा होगा कमांड्स करते थे आप, कब एग्जीक्यूट होता था कुछ भी, तो ऐसे ही यहाँ पर भी असेंबली लैंग्वेज में कोड्स वगैरह यूज करके हम करते थे, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि बाइनरी नंबर जीरो कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये था ही लो ही लैंग्वेज था, बट थोड़ा सा समझने में इजी हो गया, आपको सिर्फ बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है। जैसे थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताता हूँ जावा लैंग्वेज की, जैसे अगर जावा लैंग्वेज की अगर बात करें तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मैंने बताया 1991, कई बार 95 आपको देखने को मिलेगा, 91 देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिलीज हुआ था वो, बट एक्चुअली मेन डेवलपमेंट जो हुआ था इसका 1991 में हुआ था। आपने देखा होगा अगर इंटरनेट के बारे में अगर आपको मैंने बताया था तो वहां पर इंटरनेट भी बताया था कि 1991 में ही रिलीज हुआ था, ठीक है। एक्चुअली इंटरनेट लॉन्च जो आज की डेट में देखा होगा आपने वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट, तो सिर्फ जावा की वजह से, अगर जावा नहीं होती तो शायद हमारी जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड वेब काम ही नहीं करता, ठीक है। तो अगर जावा, अगर बात करें कि पहले स्टार्टिंग में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नाम दिया गया था वो ओक दिया गया था, OAK वर्जन, ठीक है। अच्छा, ओक इसलिए दिया गया था कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो सिंबल है, देखा होगा एक कॉफी है, कॉफी का एक हॉट कॉफी की तरह से एक सिंबल है इसका, तो होता क्या हुआ क्या था कि जो टीम थी जेम्स गॉसलिन इनके इससे हेड ऑफ द टीम थे,
जेन गॉडफ्री ने डेवलप किया इसको। तो वो फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में एक उनका कॉफी शॉप था, वहां पर बैठ के वो लोग क्या करते थे, इस प्रोग्राम को बनाते थे। तो इसका ओक कैसे नाम दिया गया, सिंपल कैसे दिया, क्योंकि वहां पर वो कॉफी पीते थे, सब लोग कॉफी यूज करते थे, तो उन्हें दिमाग में आया गया यही सिंपल रख देते। ओक कैसे, ओक जो होता है वो जो फॉरेस्ट होता है उसका लॉन्गेस्ट ट्री जो होती है, लॉन्गेस्ट ट्री जो होता है उसको ओक बोलते हैं, तो उसके नाम से इसको ओक रख दिया गया। बट हुआ क्या, फाइनली आगे चल के देखा ओक को जब लॉन्च करने गए वो, तो ऑलरेडी एक ओक नाम का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कॉपीराइट रिलीज था हो रखा था। तो फिर फाइनली लेटर इसका नाम रख दिया गया जावा। ठीक है, तो काफी जगह पर बोला जाता है कि जावा आपका जो टीम लीडर जेम्स गॉडफ्री ने, इसलिए उनके नाम से जे इज कैपिटल ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ जे इज जेम्स गॉडफ्री, ए जे वी ए इज अ टीम ऑफ द मेंबर ऑफ द इस जो जावा की टीम थी उनके नाम से रखा गया है, बट नॉट एग्जैक्टली ये। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जावा के अंदर क्योंकि सी और सी प्लस प्रोग्रामिंग ऑलरेडी चल रही थी, आपको पता ही है सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज चल रही थी उस समय, तो सी और सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस में जितने भी कंसेप्ट होते ना बेसिक फंडामेंटल थे, उन कंसेप्ट को इनहेरिट किया गया जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, और जो कमी थी सी प्लस प्लस के अंदर उसको जावा में डिसॉल्व किया गया, यानी कि 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया गया, और सबसे मेन जो था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। अच्छा, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग है, तो इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। होता क्या था, पहले जब हम इंटरनेट को यूज करते थे, तो इंटरनेट जिस मान लो जिस प्लेटफॉर्म में, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर बना होता था, अब वो उसी प्लेटफॉर्म में काम करेगा, सेम प्लेटफॉर्म में काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा, वो उसके मशीन अगर चेंज कर दी तो उसके कोडिंग बदलनी पड़ती। ठीक है, मगर जावा ने ये प्रॉब्लम रिजोल्व कर दी, रिजोल्व इसलिए की क्योंकि इसमें दो तरह के ट्रांसलेटर काम करते थे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो होता क्या हुआ क्या कि इससे एक बाइट कोड जनरेट होता है जब कंपाइल होता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर की हेल्प से जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, बाइट कोड में कन्वर्ट करती है, और उस बाइट कोड को किसी भी मशीन में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर यूज करें तो वो सपोर्टेबल है, एंड उसके जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन के अकॉर्डिंगली वो काम कर जाती है, इसलिए वो हर प्लेटफॉर्म में काम करने लग जाती है। इसलिए जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग प्रोग्राम लैंग्वेज बोलेगा। ठीक है, तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर ओरिजिनली क्रिएटेड बाय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी छोटे छोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे टीवी, वीसीआर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, इनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको बनाने के लिए जावा प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम भी आप बना सकते हो, एक आईसी लेवल में छोटे से प्रोग्राम को भी बड़ी छोटे प्रोग्राम्स एंड ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इंटरनेट एंड वेब वॉज जस्ट एमर्जिंग, सो सम टर्न इनटू अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट प्रोग्रामिंग, तो इसको इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी यूज किया जाता है, सर्वलेट और एप्लेट्स और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्क्रिप्ट्स, जावा स्क्रिप्ट्स पर्पस पर यूज। कभी देखना अगर आप इंटरनेट में काम करोगे ना, इंटरनेट में काम करोगे या मोबाइल में इंटरनेट भी करोगे, कोई एरर आएगी ना सर्वर की या कुछ अदर प्रॉब्लम आएगी, तो जावा स्क्रिप्ट एरर आएगी देखने में भी गौर करना, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इसलिए आती है क्योंकि वो जावा के थ्रू ही रन हो रहा है हर जगह पर, वर्ल्ड वाइड वेब हो रहा है। इट अलाउ यू टू पब्लिश अ वेब पेज विद द जावा कोड इन, यानी कि मैं जैसे बताया मैंने कि जावा कोड कोडिंग के थ्रू पब्लिश होता है जो भी वेब पेज होता है। जैसे वेब डिजाइनिंग की जब आपको बताई, वेब डिजाइनिंग कराइए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल, तो वो क्या है, सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, आप डिजाइन कर सकते हो वेब पेज को, बट पब्लिश करेंगे और किसी पर्टिकुलर जगह पर उसको यूज करना है, वर्ल्ड वाइड वेब में यूज करना है, रिमोटली यूज करना है, देन जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही उसको कोड को यूज करवाती है। ठीक है, पब्लिश करवाती है। तो कुछ जावा डेवलपमेंट देख सकते हो, ईयर 1919 में टर्न डिसाइडिंग टू डेवलप अ स्पेशल सॉफ्टवेयर, एंड 1991 में इसको यूजिंग सी प्लस प्लस विद सम अपडेट अनाउंस अ न्यू लैंग्वेज नेम ओक किया गया। 1992 में आप देख सकते हो टीम, जब 1991 में सी प्लस प्लस मैंने बताया कि सी प्लस प्लस से इनहेरिट किया गया सब ऑलमोस्ट,
1992-19 demonstrated the application of their new language, the control list of the home appliance using a handheld devices. यानी कि होम अप्लायंस का मतलब है कि घर घर में जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, और हैंडहेल्ड डिवाइस है मोबाइल, ऐसा है हैंडहेल्ड डिवाइस से मोबाइल ही नहीं है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रिमोट वगैरह यूज करते हैं हम, ब्लूटूथ डिवाइस यूज करते हैं, है ना, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवाइस होते हैं, उन पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है, इसमें उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद 1993 में वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे मैंने बताया अभी इंटरनेट पॉसिबल ही जावा की वजह से है, वर्ल्ड वाइड वेब हुआ था। 1994 में देख सकते हो आप हॉट जावा, इसका नाम हॉट नहीं जावा भी बोला गया, हॉट अच्छे इसलिए बोला गया हॉट कॉफी है इसका एक सिंबल जावा, तो लोकेट एंड रन एप्रेस हॉट जावा गेन इंस्टेंट सक्सेस, तो रन जावा एप्रेस वगैरह यूज किया जाते हैं इंटरनेट के पर्पज के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, और अच्छा ओ लैंग्वेज का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है ये मैं अभी आपको डिस्कस थोड़ा करूंगा अभी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि इसके फीचर्स क्या है, अगर जावा प्रोग्रामिंग के फीचर आप देख सकते हो स्क्रीन में, इसके फीचर्स आ रहे हैं कि सिंपल एंड पावरफुल लैंग्वेज है ये, एक बहुत सिंपल कोडिंग होती है इसके अंदर, सिंपल प्रोग्रामिंग हो सकती है, ठीक है, क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग की जाती है और बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन मैंने जैसे बताया छोटे छोटे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स के लिए या होम अप्लायंसेस के लिए या हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए, है ना, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए बड़ी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं हम लोग, दैट इज अ वेरी पावरफुल प्रोग्राम एंड सेफ प्रोग्रामिंग है, सबसे बड़ी बात है सेफ बहुत है। सेफ कैसे है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब तक कि यूजर खुद अलाउ नहीं करेगा तो जब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, कोई वायरस अटैक नहीं करेगा, कोई थ्रेट अटैक नहीं करेगा, कोई इसको हैक नहीं कर सकता, ना बहुत सारे सेफ्टी पॉइंट है इसमें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि दिस इज अ फुल्ली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। रोबस्ट भी है, रोबस्ट मतलब इसको हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटेड एंड हाई परफॉर्मेंस, थ्रेडेड एंड डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब, अच्छा थ्रेडेड का मतलब है कि इसमें बहुत सारे जो हम लोग कोडिंग यूज करते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं, और डायनेमिकली इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस तरह के प्रोग्रामिंग को, जैसे इंटरनेट में बोल रहे हैं हम डायनेमिकली यूज करते हैं उसमें कि कहीं पर से भी किसी भी जगह से भी रिमोटली इसको प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को यूज किया सकते हैं जावा के प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके अलावा अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें, जावा के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो फैमिलियर, सिंपल, अच्छा फैमिलियर जैसे हम बार बार बात करता हूँ ना मैं, जैसे कि आपको यूजर फ्रेंडली होना चाहिए प्रोग्राम, तो यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बनते हैं जावा के अंदर, सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, अच्छा बहुत सिंपल होते हैं, जो कि हर कोई, सिंपल से मतलब ये नहीं कि दिखने में सिंपल होगा, दिखने में तो बहुत हाईफाई आपको दिखेगा, मत यूज करने बहुत सिंपल होगा, हर कोई यूज कर सकता है, यानी यूजर फ्रेंडली होगा, ठीक है, और स्मॉल होगा, छोटे प्रोग्राम होंगे, यूटिलिटीज बड़ी होगी, ठीक है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड, यानी कि इंटरप्रेटर दो चीजें इसमें ट्रांसलेटर काम करते हैं इसके अंदर, तब जाके हमारा जो है प्रोग्राम वर्क करता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पोर्टेबल है, जैसे मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपको समझाया, और पोर्टेबल भी है, पोर्टेबल का मतलब कहीं से कैरी कर सकते हैं, ठीक है, और इवन हम रिमोटली भी इसको यूज कर सकते हैं, रिमोटली इसको डाउनलोड और यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रोबस्ट फैमिली प्लान, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, मल्टी थ्रेडेड भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, कि आप एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। अगर आप मॉल में जाओगे ना, तो मॉल में देखा होगा कि आप जब वो बिलिंग करते हैं तो मॉल का जो बिलिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉल डिफरेंट कंट्री स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर है, तो वो उनका क्या होगा, डेटा एक ही जगह पर सर्वर में स्टोर हो सकता है इसके थ्रू, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरएक्टिव, हाई परफॉर्मेंस, डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप देख रहे हो नीचे ऊपर कि जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, यानी कि जावा में दोनों चीज, अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ध्यान रखना, क्योंकि अदर्स में ये काम होता नहीं है, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में फोकस करना बहुत जरूरी है। मींस कि कोई भी प्रोग्राम हम जब बनाते हैं तो किसी टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हैं उसको, जैसे नोटपैड यूज कर सकते हैं,
ठीक है। और या ब्लू जी इसके लिए जैसे आप ट्यूटोरियल लेवल पर, जैसे स्टूडेंट लेवल पर आता है, तो वो ब्लू जी एक एडिटर है इसका, जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी है इसमें। उसके अलावा जब हम जावा बनाते हैं, तो जावा का सोर्स कोड जब कंपेयर होता है, जावा कंपेयर किया जाता है, उसका कंपेयर करने के बाद जावा का बाइट कोड जनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि बाइट कोड में जनरेट हो जाता है, और इसको क्लास बेस्ड फाइल बनती है, इसके अंदर क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, तो क्लास बेस्ड फाइल बनती है इसके अंदर, तो बाइट कोड बनता है। फिर वो बाइट कोड किसी भी मशीन में, यानी कि हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, किसी भी हार्डवेयर में यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर इसको लेके जाते हैं, तो वहां पर इंटरप्रेटर काम करता है JVM के थ्रू, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू, और तब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बन जाता है, और हर प्लेटफॉर्म में और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, और हर हार्डवेयर को सपोर्ट, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। इस तरह से जावा को हम वर्क करता है, और बाइकोड में कन्वर्ट करने के बाद हमारा इंटरप्रेटर के थ्रू प्रोग्राम रन हो जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म में और किसी भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में। दैट मींस कि हमारा जो जावा प्रोग्राम है, इसलिए वो जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, बना लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि व्हाट इज JVM। जैसे मैं बार बार आपको जावा वर्चुअल मशीन होता है इसका फुल फॉर्म JVM, तो JVM क्या 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 काम है, क्या वर्क करता है। JVM इज एन इंजन दैट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरमेंट टू ड्राइव टू जावा कोड और एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि जब हम जावा को प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, तो बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म में इंटरप्रेटर की हेल्प से, इंटरप्रेटर आल्सो आर प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर, तो वो क्या करता है, ट्रांसलेटर JVM जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू वो स्पेसिफिक मशीन को कॉन्फिगर करता है। ठीक है, उस इंजन को कॉन्फिगर करता है, और तब जाके हमारा वो प्रोग्राम रन कर जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो जावा ये सपोर्ट करता है। जावा एक तरह का, जावा वर्चुअल मशीन जो एक हर कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। ठीक है, इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कंपाइलर प्रोड्यूस मशीन कोड अ पर्टिकुलर सिस्टम, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एक मशीन कोड बनाना पड़ता है किसी अदर लैंग्वेज के अंदर, बट जावा कंपाइलर प्रोड्यूस कोड फॉर द वर्चुअल मशीन, वो वर्चुअल मशीन की तरह से एक कोड जनरेट करता है जो कि हर उसमें काम कर जाता है। ठीक है, इसको वर्चुअल, जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं, यानी कि वो बाइट कोड होता है। क्लियर अगर बात करें आप, तो बाइट कोड जो होता है वो जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू क्या करता है, इंटरप्रेटर की हेल्प से आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में रन करा देता है। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जावा वर्क कैसे करता है, जावा होता क्या है। ठीक है, उसके बाद बेसिक फंडामेंटल आएंगे कि कैसे आप प्रोग्राम बनाओगे, कैसे और चीजें इसमें कोडिंग की जाएगी, है ना। तो फर्स्ट जावा कोड इज कंपेयर इनटू बाइट कोड, देखा हो जब हम कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, एंड दिस बाइट कोड गेट इंटरप्रेटेड ऑन डिफरेंट मशीन्स विद द हेल्प ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू क्या करता है, ये इंटरप्रेट करने के बाद कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बार बार मैं समझा रहा हूं, बिटवीन होस्ट सिस्टम एंड द जावा सोर्स, यानी जो भी जावा सोर्स की प्रोग्रामिंग होती है या होस्ट सिस्टम होता है, बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज, यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज को बाइट कोड से बोला जाता है, क्योंकि बाइट कोड कंपाइलर से कन्वर्ट हुआ है, कंपाइलर करने का कन्वर्ट हुआ ना, तो कोडिंग को कन्वर्ट करने के बाद कंपाइलर ने क्या किया, बाइट कोड जनरेट किया, और बाइट कोड को हम किसी प्लेटफॉर्म में लेके जाए, तो फिर इंटरप्रेटर काम कर रहा है, मतलब दो ट्रांसलेटर काम कर रहे हैं, एक कंपाइलर इज ऑल्सो ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर इज ऑल्सो ट्रांसलेटर, बोथ आर। और किसी प्रोग्रामिंग अदर लैंग्वेज में देखो, जैसे C++ में देखें, तो वहां पर सिर्फ कंपाइलर काम करता है। ठीक है, इसलिए वो हर स्पेसिफिक मशीन में चलाने के लिए स्पेसिफिक टाइप की कोड बनाना पड़ता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो कंपाइलर ने ट्रांसलेट किया बाइट कोड में, और बाइट कोड को आप किसी भी जावा वर्चुअल मशीन में लेके जाओ, वो उसको इंटरप्रेट करके यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। JVM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन का रिस्पॉन्स ये होती है कि बाइट कोड को कैसे वो एलोकेट करेगा, कैसे वो यूज करेगा, और कैसे उसको परफॉर्म करवाएगा टास्क में और आउटपुट आएगा। ठीक है,
जैसे आप देख सकते हो एक डायग्राम फिर से आपको दिखा रहे हैं कि क्लास लोडर यानी कि जो जावा के अंदर प्रोग्रामिंग बनाई जाती है वो क्लास के फॉर्म में बनाई जाती है, क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। एंड उसको जब हम कंपाइल करते हैं उस प्रोग्राम को तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बाइट कोड कन्वर्ट होता है। उसके बाद जब बाइट कोड वेरीफायर यानी कि क्या करता है, उसको फाइनली एग्जीक्यूट करता है किसी भी पर्टिकुलर इंजन में, किसी भी मशीन में कह सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में कह सकते हो, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में कह सकते हो, ठीक है। तो चलो इतने बताने के बाद हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप उस स्ट्रक्चर को यूज करने के बाद उस प्रोग्राम को बना सकते हो। तो जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर जैसे एचटीएमएल देख किया था हमने, तो एचटीएमएल लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर हमने बताया था, तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे हर बार आप, उस फॉलो करते थे, और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आप यूज करते थे टैग्स वगैरह, वो कहां पर यूज करते थे, उन्हीं के अंदर यूज करते थे, है ना, उसी के अंदर यूज करते थे स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपका एक वेब पेज कनेक्ट हुआ था। तो सेम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर भी, जावा प्रोग्रामिंग को इजी करने के लिए अगर उसकी कोडिंग करनी है, आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी, तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। उस स्ट्रक्चर को मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, तो सबसे पहले अगर बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हेडर फाइल यूज करना पड़ता है किसी भी जावा स्ट्रक्चर के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और हेडर फाइल कंपल्सरी है, डिटेल में बाद में बात डिस्कस करेंगे कि हेडर फाइल्स कैसी यूज होंगी, कौन सी हेडर फाइल्स होती हैं, किस फंक्शन के लिए कौन सी हेडर फाइल अप्लाई किया जाता है, वो आगे क्लासेस में बात करेंगे। उसके अलावा हम उसके बाद हम कोई भी क्रिएट करते हैं क्लास, जैसे मैंने बताया कि क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है तो हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में। उसके बाद क्लास के बाद हमें क्लास को स्टार्ट करना होता है कर्ली ब्रैकेट के थ्रू, यानी कि स्टार्ट योर क्लास विद कर्ली ब्रैकेट, जैसे मैंने कर्ली ब्रैकेट से लिखा होगा। फिर उसके बाद आपको करना पड़ता है यूज मेन फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन या कह सकते हैं उसको मेथड, उसको आपको यूज करना पड़ता है। यूज मेन फंक्शन और मेथड आपको यूज करना पड़ता है। फिर दोबारा से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट मेन मेथड विद कर्ली ब्रैकेट, अगेन वी हैव टू यूज अ कर्ली ब्रैकेट की फंक्शन को हमें यूज करना होता है मेथड को, तो हमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, कि जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है तो ऑब्जेक्ट्स बेस्ड होगा सब कुछ। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बताने पड़ते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्राम के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमें असाइनमेंट एंड